अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास सी डी होंडा मोटरसाइकिल आई है ट्यूनिंग के लिए। इसका फ़िल्टर वगैरह, इसका कार्बोरेटर और ऑयल वगैरह इसका निकालना है और कंप्लीट ट्यूनअप करना है। और इसकी चैन वगैरह देखना है। ये देखें, इसकी चैन बिल्कुल लूज़ पड़ी हुई है। और इसकी अगले पिछले ब्रेक शू और ये सब कुछ मतलब इंस्टॉलेशन करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है। और मैं सब कुछ इसके मतलब कि इंस्टॉलेशन एंड रिप्लेसमेंट सारा, और वाश वगैरह कैसे कार्बोरेटर करना है और फ़िल्टर किस तरह से डालते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको डालकर आज दिखाता हूँ। तो आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा मुबारक। मैं आपको मतलब मेरी तरफ़ से तमाम दोस्तों को जुम्मा मुबारक हो गया। और इसके मतलब काम के तरफ चलते हैं और मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ किस तरह से खुलेंगी। तो मैंने आपको सब कुछ दिखाना है। तो ये देखिए, इसकी बैटरी हमने निकालनी है। इसकी बैटरी की जो दो तारे हैं वो हमने रिमूव करनी है। इसकी बैटरी का पानी वगैरह देखते हैं, बैटरी की चार्जिंग देखते हैं, इसका फ्यूज़ वगैरह ये वो सब देख लेते हैं कि कैसा है। तो हमने ये तो इसका फ़िल्टर बॉक्स निकालते हैं। ये देखें, बिल्कुल आलूदा हुआ है, बिल्कुल गंदा मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसका फ़िल्टर बॉक्स जो है वो निकालते हैं। बहुत ही मुश्किल से निकल रहा है क्योंकि ये सख्त हो जाता है अंदर की साइड पर। तो ये देखिए, हमने फ़िल्टर बॉक्स बाहर निकाल लिया है। और इसकी जो हालत है वो भी मैं आपको चेक कराता हूँ, इसकी हालत क्या है। न्यू भी मैं आपको चेक कराता हूँ और पुराना ओल्ड भी। तो ये देखें, इसके अंदर फुल कचरा भरा पड़ा है, वो दिखा। तो ये देखें, सारी मिट्टी से भरा पड़ा हुआ है ये। तो इसी वजह से हमारी मोटरसाइकिल घुटती है, मोटरसाइकिल मिसिंग करती है और मोटरसाइकिल में पिकअप नहीं होता। और इसके अंदर पानी भी नहीं है, करंट तो है लेकिन पानी नहीं है, पानी कम है इसके अंदर। तो इसका फ़िल्टर डालते हैं यहाँ। इस तरह से आपने साफ़ कर लेना है। तो इस तरह से आपने फ़िल्टर बॉक्स साफ़ कर लेना है, दोनों तरह से मतलब दोनों जो बॉक्स हैं वो साफ़ कर लेना अच्छे तरीके से। ग्रेस पाँव तो नीचे कर, पाँव आ रहे हैं बीच में। देखें, ये पुराना वाला फ़िल्टर है जिसके अंदर फुल मतलब कि मिट्टी से भरा पड़ा है। और ये हमारा न्यू फ़िल्टर है, ये न्यू है और ये पुराना वाला है। तो इसके अंदर ये देखें, फुल मिट्टी से भरा पड़ा है ये। तो हमने इसे हटा देना, ये नहीं लगाना, ये न्यू वाला हमने लगाना है, ये अच्छी कंपनी का है। और ये किस तरह से लगाते हैं वो भी मैं आपको तरीका दिखाता हूँ। तो ये देखें, इस तरह से लगेगा। तो इस तरह से आपने इसका एक क्लिप है, क्लिप आपने टाइट करना है। क्लिप अच्छे तरीके से बिठा लें, बिठा कर फिर आपने टाइट करना है। तो ये जो कचरा है, मिट्टी है, इस मिट्टी की वजह से ही सारी मिसिंग होती है। ये देखें, फुल कचरा मिट्टी से भरा पड़ा है। ये पूरा चेचिस की जगह जो है, फिल्टर वाली जगह है, इसी वजह से हमारी मोटरसाइकिल जो है घुटती है, टैबिट वगैरह जाम हो जाते हैं फ़िल्टर में। जब मतलब कि जब कचरा आता है, मिट्टी आती है, डस्ट वगैरह आती है, तो हमारे कार्बोरेटर में चली जाती है, ओवर करता है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर में पेट्रोल नहीं आता, घुटती है कार्बोरेटर की जो मतलब हमारे जेट वगैरह होते हैं। तो हमने इस फिल्टर बॉक्स के अंदर फंस जाए तो हमने इस तरह से तेल लगा लेना है। तेल लगा के मतलब काला जो ऑयल होता है वो आपने लगा लेना है। लगा कर फिर जब आप बिठाएँगे बिल्कुल आसानी से चला जाएगा, तो अंदर मतलब कि डस्ट वगैरह की वजह से फंसेगा नहीं क्योंकि सख्त हो जाता है। तो इस तरह से आपने मोड़ कर ये लगाना है। हमारा इस तरह बिल्कुल मतलब सही तरीके से बैठ चुका है। और अब हमने क्या करना है कि कार्बोरेटर को वॉश करना है। इसकी बैटरी वगैरह लगा देते हैं, बैटरी को साफ़ वगैरह करते हैं, वो लगा देते हैं। और जब भी अगर आपको मतलब इसमें कोई दिक्कत पेश आए, मतलब कि अगर आपको जो फ़िल्टर है बिठाने में मसला आए, तो आपने क्या करना है कि इसे हल्का सा ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने से स्लिप होकर मतलब कि अंदर तो चला ही आता है और सही तरीके से बैठ जाता है, अंदर फंसता वगैरह नहीं है। तो हमारी ये बैटरी है, बैटरी को चार्जिंग पे लगवाते हैं। बैटरी को चार्जिंग पे लगवा के इसका जो तेजाब वगैरह वो कंप्लीट है। इसकी बैटरी चार्जिंग करा के लगा दी है और इसका बिल्कुल ठीक तरीके से कर दिया है। अब पेट्रोल निकालने लगे हैं, पेट्रोल निकाल के इसका कार्बोरेटर वॉश करते हैं। आपको दिखा देता हूँ कार्बोरेटर में, देखें कितना कचरा है।
और ये देखें कार्बोरेटर अच्छे तरीके से इसका साफ़ करते हैं, साफ करके फिर हमने लगाना है। दूसरा देखे उसको बच्चे को जो यूट्यूब पे छाया हुआ पठान, उस तरह से आपने कार्बोरेटर अच्छे तरीके से धो लेना है, अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से साफ कर लें, पेट्रोल लगा के इस तरह से आपने साफ करना है, धो लेना है एक बार कार्बोरेटर को अच्छे तरीके से। तो ये देखें इस तरह से आपने इसका जो जेट है वो बिल्कुल साफ कर लेना है, जेट को अच्छे तरीके से धो लेना है ताकि जो इसके जेट के छोटे छोटे सुराख हैं वो बिल्कुल सही हो जाएं। इन सुराखों की वजह से ही, मतलब कि जब ये सुराख बंद होते हैं इनकी वजह से ही मोटरसाइकिल मिसिंग करता है, पेट्रोल अच्छे तरीके से जाता नहीं है। समझा तो इसका ये छोटा स्लो जेट है इसका, ये हमने स्लो जेट बिल्कुल अच्छे तरीके से धो लेना है साफ करके, एक एक इसकी लाइन्स वगैरह खोल लेनी है, धोकर इसे फिर फिटिंग करते हैं। फिटिंग भी मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह से होती है। इसकी कार्बोरेटर की फ़िटिंग करनी है, कार्बोरेटर की फ़िटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें इसकी कार्बोरेटर की हम फिटिंग करने लगे हैं, कार्बोरेटर की फ़िटिंग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से आपने फ़िटिंग करनी है, तो इस तरह से हमने इसके जेट बिल्कुल टाइट कर लिए हैं और इसके फ्लूट और फ्लूट पिन बिठाते हैं। ये इसके फ्लूट हैं, ये इसके फ्लूट पिन हैं, तो इस तरह से ये बैठेगी। तो ये देखिए फिटिंग हो चुका है, अब इसकी कटोरी लगाते हैं, कार्बोरेटर कटोरी। एक बोल्ट भी नहीं है कटोरी का, ये दोनों बोल्ट स्क्रू हमने इसके इस तरह से टाइट कर लेने, अच्छे से पूरे पूरे टाइट करें ताकि ये कार्बोरेटर की जो मतलब कटोरी है वहाँ से पेट्रोल सेम ना करें। अब हमने इसके दोस्तों टैबी टाइट करने हैं, तो टैबी टाइट करने के लिए हमने मैग्नेट कवर और इसका जो गियर लीवर है वो हमने इसका मतलब रिमूव करना है, इसका खोल लेना है हमने। तो इस तरह से खुलता है इसका जो लीवर है, तो इस तरह से मतलब के खोलने हैं। तो इसके ये टैबी कवर वगैरह भी हमने खोलने हैं। ये देखें इसका हमने जो मैग्नेट कवर है रिमूव कर लिया है, अब इसके टैबिट कवर खोलते हैं। टैबिट कवर हमने खोल लेने हैं इसके, तो गोटी राड से आप खोलें, जब भी खोलें 17 की गोटी राड से खोलें ताकि अच्छे से खुलेंगे, क्योंकि पाने वगैरह स्लिप पाना लगाएंगे तो जो हमारा टैबिट कवर है वो भी ख़राब हो जाएगा। हल्का हल्का आपने चोट लगाकर इसे खोल लेना है, और आपने टॉप पे किस तरह से रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आपने टॉप पे रखना है, जो टी का निशान हो यहाँ पर होना चाहिए। तो ये देखें आपने इस तरह से इसे घुमाकर देख लेना है कि इसे मतलब कि ये टॉप पे है कि नहीं है, काफ़ी गर्म है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर का टॉप पे नहीं, अभी जाम है। तो ये देखें हटे,
तो इस तरह से ये देखें तो मतलब हमारा ये टॉप पे नहीं है। जब अगर इस तरह से करें तो मतलब वाल जब ये हिले इस तरह से तो मतलब हमारा मैग्नेट टॉप पे नहीं है, हमारे वाल टॉप पे नहीं है। तो आपने एक बार फिर से इसे घुमाना है, तो इस तरह से आपने फिर एक बार घुमाकर इसे चेक करना है। और जब आपने इस तरह से मतलब के घुमा रहे होंगे मैग्नेट को तो इसके जो वाल हैं मतलब अंदर की तरफ मूव नहीं करेंगे, तब इसका मतलब टॉप पे है। फिर तो ये देखें अब मतलब टॉप पर है। अब इसके टैबिट सेट करते हैं 8 और 9 के रिंग पाने की मदद से। कसम खुदा डब्बा है, चल देख। तो हाँ मेरे को अभी कसम 10,000 रुपये का ढूंढ, मेरे एक बंदा है चाचा वो बोला मैं लूँगा देगा यू। मैं आगे आज आगे 7 को बोलता आज तूने याद कर रहा भाई। तो हाँ इधर ही बैठ कर क्या तो हम बैठ देखेंगे रेट लगवा। तो ये देखें दोस्तों इसके जो हमारी मतलब कि हमने ट्यूनिंग भी कर ली है और इसका सिर्फ कार्बोरेटर फिटिंग करना है और डेबिट वगैरह भी मैंने कर लिए हैं। इसमें जो चैन की जो छोटा इस पॉकेट है इस जगह पर ये देखें कितनी मट्टी है, ये देखें इसी मट्टी की वजह से हमारी चैन ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब कि एहतियातन हमारे जो मकैनिक हजरात हैं वो साफ़ नहीं करते या ख़ुद भी कस्टमर मतलब एहतियात नहीं करते, इसकी वजह से ही हमारा जो चैन वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये देखें मट्टी कितनी निकल रही है। तो एक बार अच्छे तरीके से यहाँ से आपने साफ कर लेनी है मट्टी को। चिकन बिरयानी आज आप लोग बिरयानी खा लें 150-200। तो इस तरह से आपने पेट्रोल की मदद से इसे साफ कर लेना, वॉश करना है। तो इस तरह से आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना। ये देखें इस तरह से आपने अच्छे तरीके से धो लेना है इसे ताकि ये जगह बिल्कुल साफ हो जाए। तो ये देखें इसका कार्बोरेटर हम फिट करने लगे हैं। कार्बोरेटर फिट करने से पहले इसकी जो ये क्लिप होता है इसका क्लिप बिठा रहे हैं, जुबली क्लिप इसे कहते हैं। ये क्लिप आपने बिठा लेना है, इस तरह से आपने जुबली क्लिप बिठाना है और इस तरह से आपने इसका कार्बोरेटर है कार्बोरेटर इस तरह से बिठाना है। तो ये करना है आपने और इसका ये जो है तो ये इसकी कार्बोरेटर हड्डी है। कार्बोरेटर हड्डी से मतलब जो हमारा एयर लेयर होती है हमने इसे बिठाना कैसे है इस तरह से बिठाना है, मतलब ये जो इसकी खाली जगह है प्लेन जगह हमारी कार्बोरेटर की साइड पे आएगी। तो इस तरह से आपने बिठाना है कार्बोरेटर। तो हमारे ये कार्बोरेटर के दो बोल्ट हैं 8 mm के, हमने बोल्ट लगाने हैं। तो इस तरह से आपने इसे टाइट करना है। तो ये देखें जब आप ये कार्बोरेटर यूरो की फिट करें स्लाइड, तो स्लाइड पिन की जो लंबी वाली झरी है उस साइड आएगी और ये जो छोटी वाली है इस साइड पे आएगी। उस्ताज
ये बना के दे दो, कल मैं आपको पैसे ले जाऊंगा, इसके पास पैसे ले। और यहाँ पे भी आपने थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लेना है ताकि ये यहाँ पे भी आवाज़ ना करे। जब भी चैन चल रही होती है, चैन बिल्कुल सही होती है लेकिन आवाज़ कर रही होती है, तो यहाँ की आवाज़ आ रही होती है, तो यहाँ पे भी आपने ऑयलिंग कर लेनी है। आपको दिखाया है कि ये ऑयल हमने इसके अंदर डालना है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑयल। तो जो इसका ऑयल का बोल्ड होता है, ये इसका ऑयल का बोल्ड है, हमने ये ऑयल का बोल्ड खोल लेना है इस तरह से। वैसे मैंने ढीला किया हुआ था, तो ये देखें आपने इस तरह से इसका बोल्ड खोल लेना है। इसका ऑयल जो है बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल ख़त्म ऑयल है, ऑयल चलने के काबिल नहीं है। तो हमने माशाल्लाह ये बहुत अच्छी कंपनी का ऑयल है, हमने अब यही ऑयल डालना है इसके अंदर। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो होती है मेरी। 650 रुपये का, 650 रुपये का ये ऑयल है, तो हमारा ये मतलब कि अच्छा ऑयल है। इसकी ट्यूनिंग भी हो गई, टैबेट वगैरह हो गया, और भी इसका और काम है वो भी मैं आपको मतलब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसका ऑयल निकाल लें हम, और बहुत ही ऑयल कम निकला है इसका, ये देखें आप देख सकते हैं। और जब भी ऑयल निकालें गाड़ी को आड़ा टेढ़ा कर लें, गाड़ी को थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कर लें। ऑयल डालना है, यहाँ से डालना है, इसके जो टैबिट कवर है यहाँ से खोल के मतलब कि यहाँ से ऑयल डालना है तो बेस्ट है, हिलाइयो नहीं हुए। तो इस तरह से आपने ऑयल डालना है इसका हल्के हल्के हाथ से। तो इस तरह से आपने कंप्लीट इसका ऑयल जो है वो डाल लेना है। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें, और मेरी वीडियो को कंप्लीट देखा करें, आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है मेरी, कि मेरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप नहीं देखते।